त्योहारों की शान बढ़ाएं और बेसन की झटपट ये नई रेसिपी बनाएं। तो आज मैं आपके साथ एक कप बेसन से बनने वाली बहुत ही टेस्टी सस्ती सी रेसिपी लेके आई हूँ फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप बाज़ार से भी महंगी रेसिपी लेके आते हैं, तो चलिए बिना समय गंवाएं शुरू करते हैं। तो उसके लिए पहले हमें ले लेना है एक कप बेसन, उसके साथ ही हम ले लेते हैं एक चौथाई कप सूजी। आपको एक बड़ा बाउल में अगर बेसन ले ले रहे हैं तो उसी के एक चौथाई भाग आप सूजी डालिएगा, चाहे मोटा सूजी हो या पतला चल जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए, मैंने एक कप दूध लिया है, लगभग 100 ml दूध है। इसे हमें थोड़ा थोड़ा डाल के इसका पेस्ट तैयार करना है। तो पेस्ट फ्रेंड्स गीला नहीं होना चाहिए, इसका गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करना है। तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनने वाली है फ्रेंड्स, बहुत ही महंगी बनने वाली है। आप इसे स्टेप बाय स्टेप पूरा देखते रहिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि कितनी टेस्टी और महंगी रेसिपी बनी है। तो देखिए, इसी तरह का आपको पेस्ट तैयार करना है, एकदम गाढ़ा सा पेस्ट हमारा तैयार होना चाहिए। तो देख सकते हैं इसका कंसिस्टेंसी इस तरह का होना चाहिए फ्रेंड्स, मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ। देख सकते हैं इस तरह का कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसके बाद इसे हम क्या करते हैं फ्रेंड, ढक के 5 मिनट के लिए रख देते हैं। इससे क्या होगा कि जो सूजी हमने डाला है ना, ये अच्छे से फूल जाएगा। अब देखिए, थोड़ा सा दूध बच चुका था, 5 मिनट हो गए फ्रेंड्स, इसे मैं चेक कर लेती हूँ। देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से सूजी हमारे अच्छे से फूल चुके हैं, देखिए हाथों में बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। तो एक काम कीजिए, आप हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा ताकि अच्छे से आपका बाइंडिंग तैयार हो जाए और थोड़ा सा भी हाथ में ना लगे। इस तरह देखिए अच्छे से इसका रोल बना लेते हैं फ्रेंड, थोड़ा सा हाथों से टैप टैप करते हुए। तो देख सकते हैं इसी तरह आपको लगा लेना है। तो ऑयल लगाने से काफ़ी अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो जैसे हम गोल शेप में बनाते हैं ना, उसी तरह का लेना है, जैसे रोटियाँ की तरह शेप में आप रोल ले लीजिए। अब उसके बाद क्या करना है इसमें, हमें इसमें देखिए फ्लैट करना है थोड़ा सा। फ्लैट करने के बाद इसे आप अंगूठे के सहायते से इस तरह होल्स कर लीजिए। जी हाँ फ्रेंड, इसमें होल्स ज़रूरी है, इससे क्या होता है कि अंदर तक अच्छे से काफ़ी कुक होएंगी जब इसे हम फ्राई करेंगे। तो इसी तरह मैं दोबारा बना के दिखा दे रही हूँ फ्रेंड। आप चाहें तो जो मसाला कूटने वाला कूटना रहता है उससे भी आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो जाता है। तो आप हाथ से भी कर सकते हैं या फिर कूटने से भी कर सकते हैं, जो भी गोल शेप में आए उसी से आप कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं इसी तरह हमें सबको बना के रेडी करना है फ्रेंड। तो इसी तरह देखिए, मैंने सबको बना लिया है फ्रेंड। जी हाँ, बहुत ही टेस्टी बनने वाली फ्रेंड। वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड। इसका मेंदू वड़ा नहीं बना रहे हम, इसका बहुत ही महंगी रेसिपी बना रहे हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप जरूर देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगेगी फ्रेंड तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ फ्रेंड्स, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। अब देखिए, जब तेल आपका बहुत ही लो फ्लेम पे रहे तभी आपको डालना है, इससे हाई फ्लेम पे बिल्कुल कुक नहीं करना है। इससे क्यों बता रही हूँ फ्रेंड, इसमें क्या है कि जब भी इसे हाई फ्लेम पे आप कर देंगे तो अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे, इसका सौंदा सौंदापन नहीं आ पाएगा। इसीलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि इसको लो फ्लेम पर आप करिए, जितना भी टाइम लगे 5 से 6 मिनट आप अच्छे से इसे कुक कर लीजिए। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से कुक करना है। तो देख सकते हैं इसी तरह अलटते पलटते हुए फ्रेंड इसे हम कुक कर लेंगे, जब तक एकदम गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो बहुत ही टेस्टी हमारी रेसिपी बनने वाली है फ्रेंड। आप वीडियो को, मैं सजेस्ट करूँ कि आप वीडियो को स्किप ना करते हुए देखिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि कितनी महंगी और टेस्टी रेसिपी बनी है। अब इसे अलटते पलटते हुए हमें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से कुक कर लेना है। तो देख सकते हैं इस तरह का अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, मतलब अच्छे से ये सीख गया है। इसे अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं फिर इसी तरह मैंने प्लेट में सबको निकाल लिया है। तो काफ़ी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हुई है फिर इसी तरह आपको कुक करना है। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद फ्रेंड इसे हमें क्या करना है, अच्छे से तोड़ के इसका रफली हमें तोड़ लेना है। तो देख सकते हैं 7 पीस बन के तैयार हो गए हैं, काफ़ी ढेर सारी हमारी बहुत ही महंगी रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिएगा। तो वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छी लग रही है फ्रेंड तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बगल में जो घंटी का निशान है उसे आप क्लिक जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो देख सकते हैं इसी तरह मैंने रफली इसे तोड़ लिया है। अब इसे हमें क्या करना है, मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लेना है। इसका हमें एकदम दरदरा सा पाउडर बना लेना है। तो देखिए काफ़ी अच्छे से इसका पाउडर तैयार हो गया है फ्रेंड, बिल्कुल दानेदार लग रही है ना, बहुत ही टेस्टी हमारी रेसिपी बनकर तैयार होगी। इसी तरह हमें सबको ग्राइंड कर लेना है अच्छे से।
काफ़ी अच्छे से देखिए इसमें बूंदी जैसा हमारा अच्छे से परफेक्ट तैयार हो गया है। एकदम इसी तरह दानेदार होना चाहिए फ्रेंड, काफ़ी बिल्कुल बहुत ही टेस्टी हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो रही है। अब इसे हमें क्या करना है फ्रेंड, एक पैन रख लेंगे, पैन में हम डाल देते हैं 1 कप चीनी। तो देख सकते हैं जो कप से मैंने बेसन लिया था उसी कप से हमने यूज़ किया है 1 कप चीनी। अब इसमें हम डाल देते हैं 1/2 कप पानी। अब अच्छे से इसे उबाल आने देते हैं, पहले हम नीचे मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। चाशनी में जब अच्छे से उबाल आ जाएगा उसके बाद ही हम इसमें प्रोसेस जो भी आगे का है वो करेंगे। इसे अच्छे से उबाल आने दीजिए। तो देखिए इस तरह अच्छे से आ गया है फ्रेंड। अब इसे क्या करना है, 1 से 2 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेना है मीडियम फ्लेम पर। तब मीडियम फ्लेम पे देखिए मैंने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लिया है। देख सकते हैं एक तार की चाशनी बनकर तैयार होनी चाहिए, उससे कम होगी तो चल जाएगी फ्रेंड, उससे ज़्यादा गाढ़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो देख सकते हैं इस तरह थोड़ी सी चिपचिपी हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसमें डाल देते हैं फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर। अब फ्रेंड जो मैंने बेसन को अच्छे से पाउडर बना के रखा है उसको इस बार धीरे धीरे डाल देंगे। गैस का फ्लेम आप लो ही रखिएगा और एक साथ हमें नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालते आप मिलाते रहिएगा। तो इसका हम फ्रेंड बहुत ही महंगी मिठाई बना रहे हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे देखते रहिए, काफ़ी यम्मी आपकी मिठाई बनकर तैयार होगी। बाज़ार में हजारों रुपए में मिलने वाली आप घर पर 1 कप बेसन से आप आसानी से बना सकते हैं फ्रेंड। त्यौहार आ रहे हैं तो दिवाली दशहरा में आप आसानी से इसे बना सकते हैं कम बजट में। बहुत ही टेस्टी बनती भी है, साथ ही खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। आप कम सामान में कम बजट में आप आसानी से इसे घर पर मिठाई बना सकते हैं, ताकि सबके पास ये वीडियो पहुंच सके फ्रेंड, आप आसानी से सब मिठाई बना सकें। बहुत ही सस्ती मिठाई बन रही है फ्रेंड्स घर में, लेकिन बाज़ारों में महंगी वाली मिठाई बन रही है। तो देखिए इस तरह का डो अच्छे से सेट हो जाना चाहिए जब तक ये पैन छोड़ दे। अब उसके बाद आपको बटर पेपर एक ले लेना है, एक टिफ़िन बॉक्स मैंने ले लिया है फ्रेंड। आप आसानी से घर में अवेलेबल रहते हैं, अक्सर बच्चे रहते ही हैं, तो आप इस तरह टिफ़िन ले लीजिए, उसमें आप इस तरह ऑयल ग्रीस कर लीजिए, ऑयल या देसी घी आप कर सकते हैं। उसके बाद इसमें डो आप डाल दीजिएगा, तो डाल सकते हैं इस तरह देखिए। और डालने के बाद इसे अच्छे से हम फ्लैट कर लेते हैं, एक सरीका कर लेंगे ताकि अच्छे से पूरा एक साइड का दिखने लगे। तो देख सकते हैं इसी तरह करना है फ्रेंड। तो फ्रेंड मैं आपको याद दिला देती हूँ, अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और मुझे इस तरह इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड इसी तरह की नए नए वीडियो, मिठाई बनने वाली, स्नैक बनने वाली बहुत ही टेस्टी टेस्टी हमारे चैनल पे अवेलेबल है रेसिपी। आप आसानी से सब्सक्राइब करके आप दे सकते हैं फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी टेस्टी आपको रेसिपी देखने को मिलेगी, आप आसानी से बना सकते हैं कम बजट में। तो देखिए इस तरह अच्छे से मैंने फैला लिया है, फिर इसके ऊपर आप काजू बादाम या फिर पिस्ता किसी से भी गार्निश कर सकते हैं। करने के बाद फ्रेंड दे सकते हैं, इसे मैंने 15 मिनट के लिए रख दिया था, तो 15 मिनट में बाद अच्छे से देखिए ये सेट हो गया है। अब इसे मैं डीमोल्ड कर लेती हूँ, इस तरह आप निकाल दीजिए, पलट के टैप टैप कर लीजिए, आसानी से देखिए निकल जाता है। काफ़ी टेस्टी और महंगी रेसिपी हमारी तैयार हो गई फ्रेंड। तो देख सकते हैं कितनी टेस्टी लग रही है, इसका मैं बटर पेपर निकाल देती हूँ, तो देखिए काफ़ी आसानी से अच्छे से निकल जाता है। तो बहुत ही टेस्टी हमारी मिठाई तैयार हो गई फ्रेंड। इसका मैंने बनाया है बेसन का मिल्क केक, बहुत ही टेस्टी बना है फ्रेंड। तो देख सकते हैं अब इसे हमें कट कर लेना है, काफ़ी टेस्टी हमारी मिठाई बनकर तैयार हो गई है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से सेट है, इसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं फ्रेंड, कम बजट में आप आसानी से बनाइए और सबको खिलाइए, यकीन मानिए काफ़ी मज़ेदार रेसिपी बनी है, आप आज से पहले कभी नहीं ट्राई किया होगा, इतनी टेस्टी रेसिपी बनी थी। तो देखिए इसे मैं कट कर लेती हूँ, तो देख सकते हैं इसके काटने से आपको पता चल रहा होगा कि कितनी स्मूथली ये कट रहा है, और काफ़ी महंगी रेसिपी बनकर तैयार हुई है। मैं एक चेक करके दिखा रही हूँ फ्रेंड, तो देख सकते हैं कितने दानेदार टेक्सचर में है, तो आपको देखने से पता चल रहा होगा कि कितनी टेस्टी हमारी मिठाई बनकर रेडी हुई है। आप 1 कप बेसन से आसानी से इसे बना सकते हैं, बिल्कुल बिना झंझट के आप आसानी से इसे बनाइए और सबको खिलाइए फ्रेंड, यकीन मानिए काफ़ी टेस्टी रेसिपी बनी थी। तो देख सकते हैं इसको तोड़ने से पता चल रहा होगा इसका टेक्सचर कितना स्मूथली है, और बिल्कुल दानेदार बनकर तैयार हुआ है, खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट है जितना देखने में लग रहा है। इसे मैं पूरा कट कर लेती हूँ फ्रेंड, इसे मैं प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। तो बहुत ही टेस्टी हमारी मिठाई बनकर तैयार हुई है फ्रेंड, इस तरह बनाइए, एंजॉय कीजिए, काफ़ी टेस्टी थी, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे फ्रेंड। जी हाँ, बहुत ही टेस्टी हमारी मिठाई सच में तैयार हुई है।
तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, हर हर महादेव।